नेताओं के दौरे बता रहे हैं कि आखिर चुनाव के समय उनकी व्यस्तताएं कैसी है। आज हम बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की, जो कि लगातार बीजेपी को जिताने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और प्रतिदिन 5 से 6 सभाएं, इसके अलावा पार्टी की मीटिंग, पार्टी के कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी बीडी शर्मा के द्वारा लिया जा रहा है और आज दिन भर उनका कैसे निकलने वाला है चुनाव प्रचार के दिन, ये आपको बताएंगे। तो प्रचार अभियान की शुरुआत आज दिन की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने की और घर से अभी रवाना हुए हैं भोपाल में। सबसे पहले मतदाता पर्ची का वितरण करेंगे भीमनगर में, उसके बाद में लाल घाटी पर भी एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले और उसके बाद में खंडवा में कार्यकर्ताओं के बीच जाकर मतदाता पर्ची का वितरण और उसके बाद में आम सभा, रोड शो, देर रात तक लगभग इसी तरीके की व्यस्तता है। मेरे साथ कुछ खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद है। सर, हम देख रहे हैं कि व्यस्तता कुछ ज्यादा है चुनाव में, किस तरीके का रूटीन इस समय रह रहा है, क्योंकि समय तो मेरे ख्याल से खुद के लिए निकल ही नहीं पा रहा होगा। देखिए, ये तो युद्ध काल का समय है और केवल मात्र 3 दिन चुनाव प्रचार में बचे हैं। कल चुनाव प्रचार समाप्त होगा और उसके बाद 17 को मतदान है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर चुनावी मैदान में अपने अथक मेहनत परिश्रम से जुटा है और इसलिए हम सब लोग आज उस काम में जुटेंगे। आज पर्ची वितरण का अभियान है, जो कार्यकर्ता इसको प्रत्येक बूथ में, प्रत्येक घर तक लोगों से जाएगा, संपर्क करेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का पत्र देगा, साथ में ही जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है कि हमने विकास और गरीब कल्याण में जो जो काम किया है उस रिपोर्ट कार्ड को भी जनता को देगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पर्ची वितरण के माध्यम से जनता तक पहुंचेंगे। इस प्रकार का माइक्रो मैनेजमेंट प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जुटे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज बूथ पर गए हैं, मैं भी अभी बूथ पर जा रहा हूँ। आज मैं लगातार 3-4 स्थानों पर, क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी शाम को रोड शो इंदौर के अंदर है, उससे पहले कई स्थानों पर जाकर के आज प्रचार में जुटेंगे और एक अलग ही आनंद है, अलग ही उमंग और उत्साह है। क्योंकि कार्यकर्ता जब मेहनत करता है और कार्यकर्ता का उत्साह होता है तो उसे हमें भी और एनर्जी मिलती है। तो ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर लड़ रही है। सर, ये बीडी शर्मा जी की शैली कहा जाए कि बड़े से बड़ा नेता हो पर लेकिन वो आम कार्यकर्ता की तरह काम करे। हमने देखा इससे पहले भी जो बीजेपी के अभियान थे उसमें बूथ तक के कार्यक्रम जो है, बूथ तक के प्रभारी जो बड़े नेता बनाए गए, आप भी एक बूथ के वार्ड के प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री भी एक बूथ और वार्ड के प्रभारी हैं। आमतौर पर ऐसा किसी राजनीतिक दल में देखने को नहीं मिलता कि बड़े नेता जो है कार्यकर्ता का भी काम करें। आप सुधीर जी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया का लोकप्रिय नेता, सशक्त और ताकतवर नेता, आज तक के भारत के प्रधानमंत्रियों में जो सबसे सशक्त नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन वो आकर के भोपाल के अंदर क्या कहते हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत, और उस अभियान को यहां से लेते हैं। तो ये कार्यकर्ता का भाव हमारे प्रधानमंत्री में और संगठन की ताकत के बल पर, गुजरात की जीत को उन्होंने कहा कि इसका श्रेय किसी को है तो पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति के कार्यकर्ताओं को है, बूथ समिति के कार्यकर्ताओं को है। तो ये एप्रिसिएशन कार्यकर्ता को माननीय प्रधानमंत्री जी का देना, तो ये मैं मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मूल में ही है कि कार्यकर्ता भाव के साथ और संगठन की ताकत के बल पर हम सरकारें बनाते हैं और आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी की जो मेहनत है, माननीय नड्डा जी की लगातार, वो देश के अंदर जो उन्होंने संगठन को ताकत दी है, तो हमारे नेतृत्व ने इस प्रकार का काम जब लिया है संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही एक आधार है जिस पर हम सब लोग भी मध्य प्रदेश के चुनाव में भी संगठन की ताकत के बल पर जमीन पर उतरे। दिन भर हम चर्चा करेंगे आपके साथ में, बताएंगे दर्शकों को कि आज पूरा शेड्यूल बीडी शर्मा का कैसे रहने वाला है, पर लेकिन देखेंगे के भीमनगर में पहुंचे हैं, यहाँ पर मतदान पर्ची वितरण का काम जो है बीडी शर्मा जी के द्वारा किया जाएगा। आमतौर पर ये काम बूथ के कार्यकर्ता करते हैं पर लेकिन बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। जाहिर सी बात है कि बीडी शर्मा जी अभी यहाँ पर आए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद उनका होगा, घर घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण जो है वो किया जाएगा और देखेंगे कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भगवान दास सवनानी है यहाँ पर अध्यक्ष है और प्रत्याशी है बीजेपी के, वो यहाँ पर मौजूद है और अब भीमनगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जनसंपर्क करते हुए कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में जाते हुए, वोटरों के बीच में जाते हुए और बीजेपी के लिए वोट की अपील करते हुए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ हमारा चुनावी सफर जारी है और भोपाल में 2 जगह कार्यक्रम करने के बाद में खंडवा के लिए रवाना हो रहे हैं बीडी शर्मा जी। सर, सुबह से देख रहे हैं चुनावी व्यस्तता काफी ज्यादा है, यहाँ पर मतदान पर्ची का वितरण, जनसंपर्क अभियान, बीजेपी के लिए वोट की अपील, अब खंडवा में फिर से कार्यक्रम और उसके बाद में पीएम के साथ रोड शो। खंडवा में यहाँ से आज सभी जगह मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने
पर्ची वितरण का अभियान महासंपर्क के तौर पर आज घर घर लिया है और आज इसी अभियान के तहत मैं खंडवा में पहुंच करके कार्यकर्ताओं के साथ इस अभियान में जुटूंगा और बाद में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आज सौभाग्य है कि रोड शो होगा इंदौर में, उनके साथ रहने का अवसर मिलेगा। तो देख सकते हैं चुनावी सफर जारी रहेगा, चर्चा भी हम करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से और बताएंगे कि आज दिन भर उनका चुनाव प्रचार कैसा रहने वाला है। हमने दिखाया कि किस तरीके से भोपाल में दो कार्यक्रम करने के बाद में अब खंडवा के लिए रवाना हुए और आप देखेंगे इस समय हम लोग भले ही हवा में हो पर लेकिन जमीनी हकीकत की बात करते हैं सर, पूरा ग्राउंड रियलिटी क्या लग रहा है आपको इस समय बीजेपी का माहौल जो है हम देख रहे थे एनालिसिस जो है एक एक सीट का किया जा रहा है, अभी तक क्या रिपोर्ट बीजेपी की पूरे प्रदेश से आई है? सुधीर जी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने प्रत्येक बूथ पर चुनाव इस बार भाजपा लड़ रही है और इसलिए हर बूथ को जीतने का संकल्प तो है ही। आज हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान, गरीब कल्याण की योजनाओं में ये जो भाजपा की ताकत है, संगठन का तंत्र मजबूती के साथ, हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास और जो हमने कहा है वो किया है, केवल झूठे वादे नहीं किए, तो इसलिए आज ये विश्वास के साथ हम कहते हैं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिलेगी। सर आप बोल रहे हैं अपार सफलता मिलेगी पर लेकिन एक बड़ा कंफ्यूजन है, कांग्रेस के पास में सीएम का एक चेहरा है कमलनाथ जी, बीजेपी के पास में इस बार जो रहता था कि फिर भाजपा फिर शिवराज, इस बार फिर भाजपा फिर भाजपा सरकार, ये नारा है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करती है, हम सामूहिक नेतृत्व पर ही चुनाव लड़े हैं और लड़ते आए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नेतृत्व है सामूहिक नेतृत्व पर सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए कोई हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान भी हैं, तो इसलिए हमारा जो नेतृत्व हमारी ताकत है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ रही है। सर आप बोले सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया हुआ है, पर बेहतर होता अगर कोई चेहरा सामने होता तो शायद मोदी जी को इतनी सभा इतने रोड शो, इससे बड़ा और चेहरा क्या चाहिए, हम सब मोदी जी में समाये थे। सर आप बोले मोदी जी में समाये थे और बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है पर लेकिन ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी है, बड़ा कांग्रेस के जिस नेता से बात करें वो बोल रहे हैं कमलनाथ जी सरकार बनाने वाले हैं, उनके बेटे नकुलनाथ तो तारीख तक तय कर चुके हैं कि 7 दिसंबर को शपथ लें और आमंत्रण दे रहे हैं सभी को। यही तो कांग्रेस है जो मोदी जी कहते हैं, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है, बेटा बाप को मुख्यमंत्री बनाता है और बाप बेटे को CWC का अधिकार दे देता है कि छिंदवाड़ा के टिकट कौन तय करेगा तो नकुलनाथ तय करेंगे, एक दूसरे को लगे, जनता थोड़ी कह रही है, जनता ने तो इनको 15 महीने की सरकार में सुधीर जी गंभीरता से देखा है, इनने हर गरीब के आकर अधिकार को छीना, गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद किया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास दिए उन्हें वापस भेज दिया, 248 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए दिया वो लैप्स होकर के चला गया, मोदी जी का नाम होगा, इसलिए कोई काम इन्होंने किया, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने इनके करैक्टर को बेहतर पहचाना है, ये 24 घंटे झूठ बोलते हैं, एक वादा पूरा नहीं किया, किसान कर्ज माफी से लेकर बेरोजगारी भत्ता देने तक 15 महीने की सरकार में एक काम पूरा नहीं किया, तो इनके झूठ की राजनीति एक्सपोज हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर, इन्हें जनता बेहतर तरीके से जानती है। देख सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और खंडवा पहुंचे हैं हम लोग अभी और उसके बाद में यहां पर बीडी शर्मा जी का कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद है, पर्ची वितरण जो कार्यक्रम जो कहना चाहिए कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता को जो काम करना है इस बार बड़े नेता भी कर रहे हैं, ये संगठन की ताकत है बीजेपी की और इस बार बड़े नेताओं को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है कि कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो बीजेपी के अंदर वो एक आम कार्यकर्ता है, लिहाजा बूथ पर जो काम कार्यकर्ता करते हैं ये बड़े नेता भी करते हुए नजर आ रहे हैं और बीडी शर्मा भी आज खंडवा के अंदर बूथ वितरण जो पर्ची वितरण कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। बहुत बढ़िया काम होगा, अच्छे वोटों से जीतेंगे हम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अच्छा दौरा रहेगा और उनके आने से और उत्साह बढ़िया रहेगा। भारतीय कार्यकर्ताओं से संवाद सीधे रहता है अध्यक्ष जी का? जी जी बिल्कुल, हमेशा से उनका संवाद कार्यकर्ताओं से सीधे तौर पर रहता है, उनका मार्गदर्शन समय समय पर हमको प्राप्त होता है, निशा निर्देश हमको देते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काफी मजबूत हुई है, वो खंडवा में तो पिछले 30 सालों से बीजेपी बहुत मजबूत है और समय समय पर मार्गदर्शन मिलते रहता है प्रदेश अध्यक्ष जी का। कैसे बतौर कार्यकाल प्रदेश अध्यक्ष कैसे देखते हैं? प्रदेश अध्यक्ष जी भाई साहब का कार्यकाल बहुत अच्छा है और निश्चित तौर पे उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे विजय निश्चित करेगी और यहाँ पे प्रत्येक कार्यकर्ता
उनके लिए काफी देर से बेसब्री से इंतजार कर रहा था और हम यहाँ प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। तो खंडवा के घंटाघर चौक पर इस समय मौजूद है जहाँ पर बीडी शर्मा बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और देखेंगे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है उनके साथ में, स्थानीय जो प्रत्याशी है वो मौजूद है उनके साथ में और लोगों के साथ जनसंपर्क करते हुए बीडी शर्मा आगे बढ़ते हुए भाई साहब ये कहेंगे कि ये काम कार्यकर्ता की तरह बिल्कुल जो है वोट मांगना तो है ये, पर लेकिन पर्ची वितरण का भी काम जारी है। ये पर्ची वितरण का महाअभियान ये बहुत लोगों को काम बहुत छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ा काम है और इस काम को भाजपा का कार्यकर्ता ही करता है और आज हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी कैबिनेट के मंत्री और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं सब आज पर्ची लेकर के घर घर जा रहे हैं और मैंने कहा ना ये महासंपर्क का अभियान है तो भारतीय जनता पार्टी जमीन पर प्रत्येक बूथ पर बूथ जीतने का ही ये कुशल रणनीति है कि हर बूथ पर कार्यकर्ता पर्ची लेकर के घर घर जा रहा है और आज इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जनता का अपार समर्थन है। लगता है कि बीडी शर्मा है और निश्चित तौर पर जो बूथ के कार्यकर्ता है वो काम है फिलहाल एक तरीके से कहना होगा कि पैदल जनसंपर्क करते हुए रोड शो करते हुए और उसके बाद में बीडी शर्मा जो है मतदान पर्ची का वितरण करेंगे जो कि काम कर कार्यकर्ता का काम होता है और इस बार बीजेपी ने अपने सभी नेताओं की ड्यूटी जो है लगभग इसी तरीके से लगाई है कि काम कार्यकर्ता भी अपने आप को उपचिन्ह ना समझे और उसको लगे कि जब बड़े से बड़ा कार्यकर्ता बूथ का काम करता है तो बूथ के कार्यकर्ता को कम से कम बूथ जिताने की जिम्मेदारी बनती है। लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश में शायद बीजेपी की मजबूती का कारण भी यही है। प्रचार के दौरान ही खंडवा में गणेश मंदिर पर पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और आमतौर पर अगर चुनाव प्रचार के दौरान कोई मंदिर आता है तो वहां पर बीडी शर्मा जरूर जाते हैं। कोशिश रहती है कि किसी बड़े शहर में जाएं और वहां पर अगर धार्मिक स्थल है तो शुरुआत प्रचार की वहीं से की जाए। लिहाजा रास्ते में जो गणेश मंदिर जो पड़ा है खंडवा का सरापा बाजार के अंदर वहां पर फिलहाल भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हुए। तो खंडवा से इंदौर पहुंचा है बीडी शर्मा का काफिला और इंदौर में आज रोड शो और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और देर रात तक लगभग 9:30 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के चुनावी कार्यक्रम में उसके बाद में भोपाल पहुंचकर मीटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। यानी कि कहना होगा कि चुनावी दौर में देर रात तक जो है चुनाव की रणनीति चुनाव प्रचार जो है वो लगातार बीडी शर्मा का जारी है। तो इंदौर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में रोड शो कर रहे हैं और आप देखेंगे कि रोड शो जो है अब राजवाड़ा की ओर बढ़ता हुआ समाप्त होता हुआ। आज पूरा दिन हमने बीडी शर्मा के साथ बताया कि किस तरीके से उनकी चुनावी दिनचर्या रही। सुबह भोपाल से प्रचार करते हुए खंडवा, खंडवा के बाद में इंदौर और इंदौर में प्रधानमंत्री के इस रोड शो के बाद में बीडी शर्मा वापस भोपाल जाएंगे और वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक लेंगे। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में ही देखा है जबकि डबल इंजन सरकार ने हर प्रकार से आदिवासी समाज का जीवन बदलने के लिए निरंतर काम किया है। आप राजस्थान में भी आते जाते रहते हैं, वहां भी आदिवासी समाज कांग्रेस से भड़का हुआ है। मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी अनेक आदिवासी साथियों से बीते कुछ समय में मिल चुका हूं। हर तरफ कांग्रेस के विरुद्ध घनघोर गुस्सा और भाजपा पर अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अब आ चुके हैं भोपाल में और देखेंगे देर रात यानी कि रात के तकरीबन 10 बजे का समय है और दिन भर हमने बताया कि भोपाल से खंडवा, खंडवा से इंदौर, इंदौर में प्रधानमंत्री के साथ में बड़ा ऐतिहासिक रोड शो और उसके बाद में अब वापस भोपाल। हालांकि चुनाव प्रचार के बाद में चुनाव में व्यस्तता भी थमेंगी नहीं क्योंकि इसके बाद में मीटिंग भी करनी है, फीडबैक भी लेना है। बीडी शर्मा जी आज पूरा दिन भर हमने बताया चुनाव में व्यस्तताएं काफी ज्यादा हैं पर लेकिन शाम का प्रधानमंत्री के साथ में रोड शो लग रहा है कि पूरा ऐतिहासिक रहा। आज ऐतिहासिक रोड शो था, माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता का जो आशीर्वाद मिला है और ये देख करके लगता है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और जनता का जो जनसमूह आज उमड़ा अपार जनसमूह और सबसे बड़ी बात थी कि इस रोड शो के अंदर जनता की कनेक्टिविटी, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर प्रकार से लोगों ने आज ऐतिहासिक रोड शो किया है और इसका बड़ा प्रतिसाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश को मिलेगा।
सुधीर जी आज आनंद आया आपके साथ, का पूरे दिन भर साथ में रहे, इसका भी एक अलग प्रकार का आज आनंद आया। सुबह 7:30 बजे दिनचर्या शुरू होना, अभी 10 बजे मुझे मालूम है कि अभी सोएंगे नहीं आप, जाकर के कुछ और काम करेंगे क्योंकि अब लास्ट टाइम है, इसलिए कई प्रकार के प्रबंधन की चीजें हैं जिन्हें करने की जरूरत होती है, तो जाकर के उनमें लगे। तो शुभकामनाएं सर, ये मेहनत आपकी रंग लेकर आए। तो वी डी शर्मा जी के साथ में आज पूरा दिन बताया कि हमने कैसे चुनावी व्यस्तताएं वी डी शर्मा जी की हैं और चुनाव प्रचार अभियान उनका कैसा चल रहा है।